नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एडुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया पे। स्टडी हार्डर देन हार्डर एंड अचीव योर गोल। देखिए, हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, वनडे सबके लिए पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य विषय है एमपीपीएससी। आज के लेक्चर के लिए मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि हमारी एमबीपीएससी में एक नई यूनिट जोड़ी गई है, यूनिट 10 मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स के बारे में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं तो कृपया कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को और कॉमटेरिया फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग बिना समय गवाए, और एग्जाम हमारा है 23rd of June को एमबीपीएससी का। प्रश्नमाला सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है, तो ये सारे ट्राइबल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और कल हम देंगे करंट अफेयर्स का लेक्चर। इसी तरह हमारा चल रहा है गोल गढ़ेरो विवाह प्रथा, गोल गढ़ेरो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाई जाती है। देखिए बच्चों, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाई जाती है, तो गोल गधेड़ो विवाह प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है। किसे बच्चों? भील जनजाति में पाई जाती है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, घोटुल प्रथा तथा बाड़ा प्रथा या परंपरा, ध्यान दीजिए, घोटुल या बाड़ा प्रथा या परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है, घोटुल और बाड़ा परंपराएं, घोटुल और बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है। देखिए बच्चों, ये पाई जाती है गोंड जनजाति में। गोंड की जो रानी थी दुर्गावती, आपको ध्यान होगा रानी दुर्गावती गोंड साम्राज्य की रानी, तो घोटुल और बाड़ा परंपराएं गोंड जनजाति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, सेट 2 है हमारा। एक एक सेट में हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 5 सेट हम करेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है हलवा जनजाति। ये सारा देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियां, जनजाति, इनके विरासत, इनके लोक साहित्य और लोक संस्कृति, ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ये देख लीजिए आप, हेडिंग है मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, उनके लोक साहित्य और इनकी लोक संस्कृति। सेट 2, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा की जनजाति पाई जाती है भील जनजाति में, घोटुल और बाड़ा परंपराएं की जनजाति पाई जाती है गोंड में, और हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, बालाघाट के बारे में हम जान रहे होंगे, बहुत फेमस है। हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, ये एमपी का हम पढ़ना जनजाति बालाघाट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी उपजाति भील की नहीं है, लेकिन आप आपको ऑप्शन देना होगा इसमें मुझे। तो पहला दिया है पटलिया, दूसरा दिया है भिलाला, तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों बरेला,
और चौथा ऑप्शन दिया है पंडो। देखिए बच्चों, कौन सी निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है? क्या पटलिया नहीं है, क्या भियाला नहीं है, क्या बरेला नहीं है, क्या पंडो नहीं है? तो हां पंडो नहीं है। भील में पटलिया भी आता है, भील में भिलाला उपजाति भी आती है, भील में बरेला उपजाति भी आती है, लेकिन पंडो नहीं आती, इसलिए पंडो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है? दिया है बैगा, दूसरा दिया है भारिया, तीसरा दिया है सहरिया, चौथा दिया है पनिका। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं? देखिए बैगा भी पिछड़ी जनजाति है, ध्यान दीजिए बच्चों, और भारिया भी पिछड़ी जनजाति है, और सहरिया ये भी पिछड़ी जनजाति है, लेकिन पनिका जो है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा है, भारिया है, सहरिया, लेकिन पनिका विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। दिए हुए चार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ही सहजता से इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए, देखिए और एनालाइज कीजिए। बहुत कठिन नहीं है मध्य प्रदेश जीके, बहुत ही आराम से मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा दूंगा सारा ट्राइबल कल्चर। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप हैं कॉमचेरिया डेस्क पे, फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का हमारा प्रोग्राम है। अपने और दोस्तों को, मित्रों को, सीनियर हो, जूनियर हो, जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक हो, मध्य प्रदेश की जनजाति MBBSC एस्पिरेंट हो, #MBBSC2024 के नाम से हम अपलोड करते हैं रील्स अपनी और वीडियो, कहां पे? कॉमचेरिया फेसबुक पेज पे। #MBBSC2024 बहुत ही वायरल टैग जो कि मैं यूज करता हूं ताकि बच्चों तक पहुंच जाए अपने आप लेक्चर्स। तो आप #MBBSC2024 इसके साथ में अगर कॉम्पटेरिया लिख देंगे, कॉम के बाद स्पेस लगाना है, अब सब कुछ स्मॉल लेटर में ही है, कैपिटल कुछ नहीं कॉम्पटेरिया में। देखिए 12th है सरहुल नृत्य, बहुत ही फेमस, UPSC में भी अक्सर प्रश्न सरहुल का आ जाता है। मुख्यतः सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा? ये मत सोचिए कि MP का है तो सिर्फ MP में ही काम आएगा। अगर जनरल क्वेश्चन है जनजाति का, क्योंकि कॉमन हर जगह पे आ रही है, और MP की भी अगर जनजाति, अगर मन कर दिया UPSC पूछने का कि हम MP से ही कुछ प्रश्न उठा लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता है, आउट ऑफ सिलेबस है। पूरे भारत के इतिहास, भूगोल और कल्चर, कल्चर की बुक आप खरीदते हैं अलग से, संस्कृति, सभ्यता, लोक कला, लोक साहित्य, तो पूरे देश का आपको जानना है, तो कोई भी प्रश्न UPSC में यदा कदा यहां से भी आ सकता है। और ये तो खैर कंपटीशन क्वेश्चन की, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो कि अक्सर मैंने UPSC और UPBCS में भी देखा है इस क्वेश्चन को, कि सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बहुत ईजी है। तो सरहुल नृत्य मुख्यतः उराव जनजाति द्वारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा देखिए एक प्रश्न ले लेते हैं, क्या हमने बताया बच्चों, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कुछ नहीं सोचना है, उराव
आंसर रट लीजिए, रट लीजिए एकदम इसको। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी बूंद की उपजाति नहीं है, जनजातियों की उपजातियां होती हैं, निम्न में से कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है? आप दिया है आपका भारिया है, दूसरा ऑप्शन जो दिया है प्रधान दिया है, और तीसरा ऑप्शन जो दिया है अगरिया दिया है, और चौथा दिया है सूरहास। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है? क्या भारिया नहीं है, क्या प्रधान नहीं है, क्या अगरिया नहीं है, क्या सूरहास नहीं है, लेकिन आपको किस जाति के लिए बताना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए मैं डार्क कर रहा हूं, गोंड जनजाति। निम्नलिखित मतलब भारिया में से, प्रधान में से, अगरिया में से, सूरहास में से गोंड की उपजाति कौन सी नहीं है? तो देखिए भारिया जो है गोंड की उपजाति नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी जनजाति, निम्न मतलब जो चार ऑप्शन देते हैं इसको बोलते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति यमपी में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति यमपी में पाई जाती है? अब देखिए सबसे पहला आप तुरंत पहचान जाएंगे, संथाल, ये तो झारखंड में, बिहार। अच्छा बच्चों देखिए जाखा, ये भी हमने इसको कभी नहीं सुना, और देखिए बच्चों हो भी, हो ची मिन संथाल, ये सब पुराना बिहार और नए में झारखंड में चली गई। हो ची मिन संथाल ये सब झारखंड में हमने देखा था, और ये देखिए भारिया, तो भारिया तो हम बराबर पढ़ रहे हैं, बराबर हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन में आ रहा है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स में देखिए भारिया यहां भी लिखा है, भारिया है, तो भारिया ही एमपी में पाई जाती है, संथाल बिहार झारखंड में, जाखा दूसरे स्टेट में नहीं छत्तीसगढ़ साइड में, हो ची मिन ये सब भी झारखंड में, लेकिन भारिया पाई जाती है एमपी में। निम्न में से कौन सी जनजाति एमपी में पाई जाती थी? भारिया दिख रहा हो, भारिया टिक मार दीजिए। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थोड़ा रिवीजन देके पढ़ने को स्विच करता हूँ। हमारा ये पूरा रिवीजन सेट जो चलता है बराबर बारंबार पुनरावृत्ति, बारंबार रिव्यू हम लेते हैं, और बार बार रिवीजन करने से माइंड में सेट होता है क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन हो, छह क्वेश्चन हो, दस क्वेश्चन हो, जो भी हो, परफेक्शन के साथ हम यहां पर अप्रोच करेंगे। जो आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके लोक साहित्य और उनके लोक संस्कृति, एमबीपीएससी पीटी 23 जून 2024 को। गोवल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? देखिए बच्चों गोवल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील जनजाति में। घोटुल और बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल और बाड़ा परंपराएं गोंड जनजाति में पाई जाती है। हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? हलवा जनजाति बालाघाट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बालाघाट। कौन सी उपजाति भील की नहीं है? तो देखिए पंडो उपजाति, कौन सी पंडो उपजाति भील की उपजाति नहीं है। कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है? तो पनिका, पनिका मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इन सबों में से पाएगा, भारिया सारिया पनिका में से पनिका घोषित नहीं है। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सरहुल नृत्य मुख्यतः उराव जनजाति द्वारा किया जाता है।
कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है? तो भारिया जो है गोंड की उपजाति नहीं है, प्रधान है, अगरिया है, सुरहास है, लेकिन भारिया गोंड की उपजाति नहीं है। कौन सी जनजाति एमपी में पाई जाती है? भारिया पाई जाती है एमपी में, वो नहीं पाई जाती एमपी में, जाफा नहीं पाई जाती एमपी में, संथाल नहीं पाई जाती एमपी में, संथाल बिहार और झारखंड में पाई जाती है, वो भी झारखंड में पाई जाती है, भारिया पाई जाती है एमपी में जनजाति। और गोल गधेड़ो विवाह प्रथा की जनजाति में है, भील जनजाति में है, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा भील जनजाति में है, होटुल बाड़ा परंपरा गोंड जनजाति में है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 सेट टू हम कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न माला 2 एमपी के ट्राइबल्स, उनके कल्चर्स और उनके लिटरेचर्स, लिटरेचर कल्चर एंड ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ एमपी। क्वेश्चन नंबर 15, नाहर, कठमैना, ऐसे ही नाम जो है ट्राइबल्स में है, आपको याद रखना है अगर एमपी में पीछे रहना है। बिंझवार, और आपको इनके बीच में काम भी करना होगा, किस जनजाति की उपजातियां हैं? बच्चों लिसन केयरफुली, नाहर, कठमैना, बिंझवार किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये सब देखिए बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब? देखिए झाबुआ में, झाबुआ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या पाई जाती है कहां पे? झाबुआ में। नाहर, कठमैना, बिंझवार किस जनजाति की उपजातियां हैं? बैगा जनजाति की उपजातियां। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। हम हैं कॉमटेरिया जो आपके साथ नित्य नियमित लगे हुए हैं, एमबीपीएससी 2024, यूबीपीएससी 2024, यूपीएससी 2024, SSC, UP SSC, जूनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3rd, GK करेंट अफेयर्स लेक्चर, एज वेल एज UP स्पेशल लेक्चर्स, एज वेल एज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन द कंप्लीट जीस्ट द क्रक्स ऑफ द NCERT, सारे प्रोग्राम लेकर मैं आया और कर रहा हूँ। मैथी भूमिका 1 हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा 2-3 लेक्चर में खत्म हुआ है, बजट का, उसको आप लोग देखिएगा, बजट 2024-25 ये भी हमने यहाँ पे किया है। बच्चों हर क्वेश्चन पे आपकी नजर होनी चाहिए, हर एक विषय पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। नाहर, कठमैना, बिंझवार किस जनजाति की उपजातियां हैं? बैगा जनजाति की। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? झाबुआ जिले पाई जाती है। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, छप के आएंगे, ये सारे क्वेश्चन छप छप के आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप लोग देखिएगा, तब आपको
याद आएगा कि कॉमचेरिया ने कहा था, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें बच्चों, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का ये प्रोग्राम है, हम कॉमचेरिया फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है, स्टडी सिलेक्शन तक, हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। कॉमचेरिया निरंतर अपने प्रगति पथ पर बढ़ता चला जाना देख रहे हैं आप, निरंतर अपने प्रगति पथ पर बढ़ता कौन के लिए। याद रखिए बच्चों, कॉमचेरिया का जो विजन है उसको याद रखिएगा। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमचेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सभी लोग का भविष्य उज्ज्वल हो। आप लोग एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर यहाँ 3 सालों से हैं, कमेंट में जरूर लिखा करिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं। अगला लेक्चर लेकर फिर आता हूँ, तब तक के लिए स्टडी आपकी सिलेक्शन तक हमेशा आपके साथ।